ओम जी नमस्ते। मैं जय प्रताप साहू आपके बीच में। आज हम लोग उदर रोग के विषय में लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेतु बंधासन के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग पाद गुष्ठ नाशक स्पष्ट आसन करके आपको दिखाएंगे। तो कुछ इसके फायदे को सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जिनको नाभि में समस्या होते हैं, जब वो चलते रहते फिरते रहते हैं तो अचानक हमारी पैर की पोजिशन गड़बड़ा जाते हैं तो नाभि डिग जाते हैं, तो इसको ठीक कर सकते हैं इस आसनों से। और जिनको गैस और कफ्स और जिनको आलस रहते हैं और आलसी पर रहते हैं, दुबलता रहते हैं, पतले दुबले रहते हैं, शरीर बनते नहीं, जितने भी खाते पीते रहते हैं अच्छे अच्छे चीज़ खाने के बावजूद हमारे शरीर में कुछ लाभ नहीं होते हैं, तो इसको आप इस आसन को करने से आपके शरीर में लाभ पहुँच जाते हैं और आपके स्वतः ही आपके शरीर को एनर्जी महसूस होते हैं। तो निश्चित ही समय को ध्यान में रखते हुए हम आज पादगुष्ठ आसन को करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीठ के बल सो जाते हैं और जिनको कमर दर्द रहते हैं और आपको उदर रोग भी समस्या है तो कमर दर्द वाले कोशिश करेंगे एक पैर से अभ्यास कर सकते हैं और इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल रहते हैं वो गर्दन नहीं उठाएंगे, जिनको जिनको सर्वाइकल रहते हैं वो गर्दन नहीं उठाएंगे। अगर आपको कमर दर्द नहीं है और सर्वाइकल नहीं है तो दोनों पैर से आप अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास करके क्या करेंगे, इसमें दोनों पैर से उठा करके श्वास भरते हुए नाक से टच करेंगे। इसका नाम है पाद गुष्ट नाशक स्पष्ट आसन। इसको कपाल भाति के साथ आपको करना है, लगातार आप कपाल भाति के साथ लगातार करना है इसके। देख सकते हैं लगातार इसमें आप एक गिनती से लेकर के 100 गिनती तक आप कर सकते हैं। 1 से लेकर के 100 तक आप गिनती के साथ कपाल भाती करिए। ऐसे करके आपको 4 बार करना है, 4 राउंड करना, 4 समय तक आपको करना है। और इसी को आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। इसका नाम है पाद गुष्ठ नाशक स्पष्ट आसन। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं जिनको नाभि दिखते हैं, गैस बनते हैं, कफ्स रहते हैं और पतले दुबे रहते हैं और शरीर में आलस भर रहते हैं, स्वतः ही ये दूर हो जाता है। आपको शरीर से को ऊर्जा से संचारित कर देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं इस आसन को करने से। और इसमें लगातार आप कपाल भाति करेंगे तो आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियास सबको एक्टिव कर देते हैं। जितने भी उदर रोग की समस्या रहते हैं उसमें आपको निजात मिलते हैं। तो ऐसे आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे। फिर बाया करवट लेकर के बैठ जाएंगे और बैठ करके जो हम संदेश दिए हैं वीडियो के माध्यम से उस वीडियो को देखिए और आवश्यकता व्यक्ति तक पहुंचाइए। और निश्चित ही मेरे चैनल को फॉलो करिए। आप सभी देशवासी को नमस्ते, धन्यवाद।